नमस्कार, दीप्ति भी पहुंच चुकी है भाई भाड़ा लेने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे चाची जी आपको एक सुंदर सा गाना सुनाएंगे आज। बाकी चाची जी आपको सभी ब्लॉग में देखने को मिलते होंगे भाई। मैंने बोला था कि कुछ नियम भी जो है ना फॉलो करने पड़ते हैं, तो अगर आप लोगों ने मनन किया होगा तो देखा होगा भाई, तो जरूर से मनन किया होगा आप सभी लोगों ने। सभी ने शर्ट और जैकेट पहनी हुई है भाई, तो इंसाफ से जा रहा फोटो पर वे तब जो मैं समझाना था नहीं। बाकी मैंने परसों वाले ब्लॉग में बोला था कि चार किसे बोलते हैं और ओ किसे बोलते हैं। बाकी भाभी जी का सबसे बड़ा भारा होता है भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक और नई ब्लॉग वीडियो शुरू हो चुकी है और अभी के टाइम पे मैं दोबारा से हूँ भाई तीन धारे पे। और तीन धारे के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है तो वो मेरी कल वाली वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ से तीन धारे के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो करते हैं यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट। नमस्कार, मैं रवि नेगी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 जुलाई ऑफिशियल में। तो यहां से मुझे भरना है पानी, जैसे कि आप लोगों को कल परसों से पता ही होगा। यहां से मैं जो है डेली पानी ले जाता हूं और रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं यानी घास वाली महिलाएं, तो उनको मैं पानी पिलाता हूँ भाई। बाकी मौसम की बात करूँ तो भाई आप देख सकते हैं हल्के फुल्के बादल भी हैं आज और धूप भी थोड़ा बहुत खिली हुई है, लेकिन कभी धूप कभी छांव वाला हिसाब किताब है आज। मैंने भी लगा दी है अपनी पानी की बोतल धारे पे। तो चलिए जी चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये रख दी है भाई मैंने पानी की बोतल और जल्दी जल्दी चलते हैं, जितना जल्दी हो सके वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे चार कटाई का काम चल रहा है। बाकी मैंने परसों वाले ब्लॉग में बोला था कि चार किसे बोलते हैं और ओ किसे बोलते हैं, तो ये दीवार दिख रही है पीछे, तो ऐसी दीवार जो है ना जंगल के चारों ओर लगाते हैं और इसके भीतरी साइड वाला जो भाग होता है यानी अंदर वाली साइड का पूरे एरिया को चार और उसमें जो घास होती है ना उसको बोलते हैं ओ। तो समझ गए होंगे, उतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करना अभी नहीं आता है तो बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। या घर में जब हम क्यार बनाते हैं ना, जैसे प्याज के बीज के बिजाई के लिए या धनिया मिर्च जो भी है ना उसके लिए हम क्यार बनाते हैं अपने घरों में, तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं मेंढू बना देते हैं मिट्टी का, ताकि पानी इधर उधर ना जाए। तो ऐसा ही सेम जंगल का है कि चारों तरफ से दीवार लगा देते हैं। तो यहाँ से कुछ लोगों की घर जाने की तैयारी हो चुकी है, बाकी कुछ लोग आगे देख सकते हैं भाई अभी भी लगे हैं घास काटने पे यानी ओह। मैं पहुंच चुका हूं भाई उस जगह पे जहां पे चार की कटाई की जा रही है इस टाइम पे। बाकी चाची जी आपको सभी ब्लॉग में देखने को मिलते होंगे भाई। नमस्कार, दीप्ति भी पहुंच चुकी है भाई भाड़ा लेने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे चाची जी आपको एक सुंदर सा गाना सुनाएंगे आज। सुना बोल की तुम तो उनमें गाना सुनो। गाना नहीं मैं सुनो।
तुम नहीं बोले अभी मेरे पहाड़ी को झुमका बल झुमका पहाड़ी हम सुनवा तो हम भी बुना के तुम्हें छिन तो ये है भाई तरीका ओ की भारी लगाने का भाई तो है कोई पहाड़न तो आ जाए भाई तो मेरे माँ पोर तो कमने खी दियो बाकी जिन लोगों ने जंगल की कटाई पहले से की होगी उन लोगों की जो है ना यादें ताजा हो गई होगी आज या कल परसों से तो जिन लोगों को अपना भाड़ा लगाना नहीं आता है तो भाई ऐसे हेल्प की जाती है एक दूसरे की। मैंने बोला था कि कुछ नियम भी जो है ना फॉलो करने पड़ते हैं तो अगर आप लोगों ने मनन किया होगा तो देखा होगा भाई तो जरूर से मनन किया होगा आप सभी लोगों ने। सभी ने शर्ट और जैकेट पहनी हुई है भाई तो इंसाब से जा रहा है के परो फोटो पर वे तब जिम समझना था नहीं भाभी जी का सबसे बड़ा भारा होता भाई बाकी इस ब्लॉग को इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में और वो ब्लॉग भी होगा और खास।